अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अभो पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवा हीय अनिच्चे जीवलोगम्य किं हिंसा ए पसज्जसि। हमारे भीतर भय की संज्ञा भी होती है और हम विभिन्न परिस्थितियों से कई बार डर सकते हैं, डर जाते हैं। कई लोग तो ज़्यादा अंधेरा होता है, सघन अंधकार से भी वे कुछ भयभीत हो सकते हैं, या कहीं कोई शरीर में बीमारी आदि की बात सामने सुनने में भी आ जाए तो भी कुछ भय लग सकता है। खुद के नहीं दूसरे के बारे में बीमारी की बात सुने तो भी थोड़ा सा भय कि यह बीमारी कहीं मेरे न लग जाए। तो यों अनेक रूपों में आदमी डर जाता है, भूत प्रेत आदि की बातों से भी डर सकता है, और कोई कोई तो चूहे से भी, हम लोग कभी चूहे से भी आदमी डर जाता है, कोई बिल्ली से डर जाता है। ये भय संज्ञा आदमी के भीतर जो होती है तो आदमी डरता है। तो एक तो हमारे में यानी आदमी में डरने की, भय भीत होने की वृत्ति होती है, और दूसरे को डराना धमकाना, दूसरे को डराने की भी वृत्ति या प्रवृत्ति आदमी में हो सकती है। बहुत बड़ा या सबसे बड़ा दान बताया गया अभय दान, दूसरों को अपनी ओर से अभय दे देना, अभय दान दे देना सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ दान होता है। अन्न दान होता है, औषध दान होता है, ज्ञान का दान भी होता है। तो यह अभय दान भी एक दान है, और कहा गया दानान सिठम अभयप्रयाणम, दानों में श्रेष्ठ अभय प्रदान, अभय दान होता है। एक राजा किसी उपवन में, उद्यान में गया, राजा शिकार करने की मनोवृत्ति से, भावना से गया था और उद्यान में खोज रहा था कोई पशु दिखाई दे तो। इतने में एक हरिण राजा की दृष्टि का विषय बना। राजा ने सोचा यह पशु दिखाई दे दिया है, निशाना साधूं, इसकी शिकार करूं। राजा ने निशाना साधा, बाण फेंका, बाण ठीक निशाने पर लगा और हरिण का प्राणांत हो गया। राजा उस मृत हरिण की ओर आगे बढ़ रहा था, इतने में देखा उद्यान में एक स्थान पर एक साधु ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठा है। ध्यान की मुद्रा में स्थित, आंखें मूंदी हुई, शरीर की स्थिरता, चेहरे पर मानो एक यौवन का ओज, उस स्थिति में साधु को देखा। राजा के मन में शंका हुई कि ये बाबा जी यहाँ रहते होंगे और यह हरिण जो मैंने मारा है वह बाबा जी का होना चाहिए। बाबा जी को पता चलेगा कि मैंने उनके हरिण को मार दिया है तो बाबा जी मेरे पर कुपित हो जाएंगे। तो
राजा भी डरने लग गया। राजा जो दूसरों पर इतना प्रभाव छोड़ने वाला, रोब रखने वाला, आदेश निर्देश देने वाला, पर एक साधु से खुद राजा सहम गया, डर गया कि यह हरिण इस साधु का होना चाहिए और मैंने मार दिया, अब साधु मेरा क्या कर देगा। तो साधु से क्षमा मांग लेनी चाहिए, पर साधु तो ध्यान में है, क्षमा भी कैसे मांगू। सोचा थोड़ा वेट करूं, प्रतीक्षा करूं, बाबा जी ध्यान पूरा करें, आंखें खोलें, तो मैं क्षमा की भीख मांग लूंगा। राजा खड़ा रहा बाबा के सामने, साधु के सामने। साधु ध्यान में था, कुछ समय ध्यान में बैठा रहा। यह ध्यान की साधना भी एक अध्यात्म का प्रयोग है कि कैसे शरीर की स्थिरता, वाणी से अवाक बोलना नहीं और मन की भी चंचलता पर कंट्रोल, और मानो अपने आप में रहने का अभ्यास। आज कितने लोग मेडिटेशन योगा करते होंगे, कई शिविरों में जाते होंगे कि बाहर की दुनिया से हटकर कुछ भीतर की ओर आना। बाहर ये हमारी पांच इंद्रियां हैं, श्रोत्र चक्षु आदि, ये बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं, तो इंद्रियों का संयम करके भीतर में देखना, भीतर में क्या है। बाहर का संयम और भीतर में दर्शन, भीतर में देखना। तो अनेक ध्यान पद्धतियां चलती हैं हमारे यहाँ। प्रेक्षा ध्यान पद्धति परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय जो शुरू हुई, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी लेते थे, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराते थे। तो अनेक पद्धतियां हैं, यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। मूल तत्व है शरीर वाणी मन का संयम हो, कषाय हमारे कम पड़े, राग द्वेष कम पड़े, यह मूल तत्व ध्यान का माना जा सकता है। मन की चंचलता कम हो, राग द्वेष कम हो जाएं, कषाय पतले पड़े, कषाय क्षीणता की ओर आगे बढ़े, तो यह ध्यान की साधना एकदम आत्मा की शुद्धि के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए जो ध्यान का प्रयोग होता है, वह अपने आप में एक आध्यात्मिक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। और ध्यान हो, साथ में जीवन शैली अच्छी हो, जीवन शैली में भी संयम हो, तो यह मानव जीवन जो प्राप्त है यह बहुत सार्थक हो सकता है। और ध्यान के लिए तो कहा गया, जहाँ शीशम शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सवस्य साहु दम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। जैसे शरीर में शीर्ष का जो स्थान है, वृक्ष में मूल का जो स्थान है, वैसे ही सर्व साधु धर्म में ध्यान को कहा गया है। ध्यान भी वैसे ही महत्वपूर्ण होता है। तो आत्मा से आत्मा को देखना, आत्मा के आसपास रहना, बाहर से भीतर की ओर आ जाना, ठीक है बाहर भी जीना होता है, परंतु बाहर जीते हुए भी आदमी भीतर में रहने का अभ्यास करे, भीतर में रहने का प्रयास करे, राग द्वेष मुक्त रहने का प्रयास करे। ध्यान का ये महत्वपूर्ण तत्व, राग द्वेष मुक्त रहें, न राग न द्वेष, न प्रियता न अप्रियता, जो कुछ हो रहा है उसको समता भाव से देखना या समता में रहना। यह समता, अहिंसा और यह ध्यान की वितरागता की स्थिति, ये सब मिली जुली सी बातें हैं। तो
वह मुनि साधु ध्यान में स्थित था और उद्यान का एक सहज बाह्य निमित्त भी अनुकूल था। पेड़ पौधे ठंडी हवा एकदम अच्छा माहौल था, तो वहाँ साधु उद्यान में ध्यानस्थ था और साधु को तो रहने का एकांत स्थान मिल जाए, जो एक थोड़ा निर्वाणा एकांत स्थान साधु का प्रवास स्थल हो तो साधना में भी कुछ अनुकूलता रह सकती है। राजा खड़ा था कि कब साधु ध्यान पूरा करे, कब मैं बात करूं। कुछ देर के बाद साधु ने आंखें खोली, ध्यान संपन्न किया। हमारे जैन में प्रतिक्रमण में हम बोल जो बोलते हैं कि जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणं न पारे मिताव कायम ठाणेणं मोणेणं धानेणं अप्पाणं बोशिरामि। जब तक अरहतों को नमस्कार न कर लूं तब तक मैं इस रूप में ध्यान में स्थित होता हूं। तो साधु ने भी अपना ध्यान का प्रयोग संपन्न किया, आंखें खोली, सामने राजा खड़ा था। राजा ने मानो साधु को देखा, साधु ने राजा को देखा। राजा थोड़ा सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, बोला, मुनिवर मुझे क्षमा दान दो, मैं क्षमा की भीख मांग रहा हूं, मुझे क्षमा की भीख दो। यह हरिण संभवतः आपका ही होगा, मैंने इसका वध कर दिया है, इसको मार दिया है, मुनिवर आप मेरे पर कुपित मत होना, मुझे यह क्षमा का दान आप दे दो। साधु तो अहिंसा का पुजारी, साधु को तो अहिंसा मूर्ति होना चाहिए, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति साधु को होना चाहिए। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। जो साधु तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप जड़ता है। तो साधु तो दया का पुजारी, अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। तो साधु तो अहिंसा में ही था। साधु ने घटनाक्रम बात को समझा, साधु के मन में तो कोई द्वेष हुआ नहीं, संभवतः हुआ ही नहीं होगा। पर साधु ने सोचा, मैं अभय दान दूं, इस राजा को भी कोई मैं प्रतिबोध भी साथ में दूं। साधु ने कहा, राजन, आगम का श्लोक है, अभो पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवा ही है अनिच्चे जीव लोगम्य किं हिंसाए पसज्जसि। कि राजन, मेरी ओर से तुमको अभय दान है, डरो मत, मेरी ओर से कोई तुम्हारे लिए प्रतिक्रिया नहीं होने वाली है, मैं तुम्हारा कोई अहित नहीं करने वाला हूँ, तुम मेरी ओर से पूर्णतया अभय रहो। अब दूसरी बात साधु ने कही कि मैं तुमको अभय दे रहा हूँ, अभय दान दे रहा हूँ, तुम भी अभय दाता बनो, तुम भी दूसरे प्राणियों को अभय दान दो। इस अनित्य जीवलोक में हिंसा में प्रसक्त क्यों हो रहे हो, यह शिकार करना, प्राणी को मारना, तुम भी ऐसा काम बंद करो, तुम भी प्राणियों को अभय दे दो कि मैं किसी का शिकार नहीं करूँगा। यह अहिंसा की बात है और साथ में अभय जुड़ा हुआ है कि दूसरों को अभय दे देना, मैं किसी को नहीं मारूंगा, यह संकल्प है। छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर देना और पालना त्याग को, यह अभय दान है। तो साधु ने अभय दान की बात कही। आज दुनिया में हिंसा भी चलती है परंतु अहिंसा भी है। दुनिया में कोरी हिंसा नहीं, अहिंसा भी बहुत है। दुनिया में कितने संत पुरुष भी होते हैं,
यह दुनिया का भाग्य है कि इतने संत साधु दुनिया में हैं, तीर्थंकर दुनिया में रहते हैं। तो जो अहिंसा की बात बताने वाले, धर्म की बात बताने वाले, तो साधु को तो खैर अभय दाता और अहिंसक होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी पूर्णतया अहिंसक नहीं भी बन सके तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अभय, दूसरों को अभय। आदमी न स्वयं डरे न दूसरों को डराए। अभय के दो अर्थ मैं कर देता हूँ। अभय के दो अर्थ, न भयम यानी खुद में भय न हो, खुद किसी से डरे नहीं, और दूसरों को भय न दे, दूसरों में भय पैदा न करे, दूसरों को अभय दान दे। स्वयं अभय रहना, दूसरों को अभय रहने देना। अभय रहो और अभय रहने दो, जियो और जीने दो। मैं इस ये कह रहा हूँ, अभय रहो और अभय रहने दो। तुम स्वयं भी अभय रहो और दूसरों को भी अभय रहने दो। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं वे स्वयं भी अभय रहें कि डरना नहीं, डरो मत। हालांकि हमारी कमजोरी हो सकती है, कई बार डर लगता है, पर प्रयास जितना हो सके कि डरे नहीं, हम अभय रहें, अभय रहें, किसी से भय न खाएं, डरे नहीं, और दूसरों को डराना नहीं, दूसरों को भयभीत नहीं करना। यह अभय की पूर्णता है। 50% मान लें न डरना अभय है, तो 50% न डराना भी अभय है। तो अभय के दोनों पार्ट, दोनों हिस्से, दोनों आयाम हमारे जीवन में रहे कि न डरना और न दूसरों को डराना। जो डरता है, डरने वाला आदमी हिंसा में भी जा सकता है, डरने वाला झूठ भी बोल सकता है। आदमी हिंसा करता है, हिंसा के पीछे भी एक कारण भय हो सकता है। आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलने के पीछे भी एक कारण भय हो सकता है। तो भयभीत आदमी हिंसक भी बन सकता है और भयभीत आदमी मृषावादी भी बन सकता है। इसलिए अहिंसा की साधना के लिए और सच्चाई की आराधना के लिए हमें अभय की साधना भी करनी चाहिए, अभय रहना चाहिए कि किसी से डरे नहीं और किसी को डराए नहीं। डरना नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उद्दंड बन जाए, उद्दंड नहीं बनना। अभय साथ में विनय भी रहे, किसी से डरना नहीं तो किसी को डराना नहीं। यह एक बड़ी साधना की बात है। नमो जिनानम जिय भयानम, उन जिनों जिनेश्वरों को नमन है, नमस्कार है, जिन्होंने भय को जीत लिया है। जो पूर्णतया अभय बन जाता है वह आदमी बड़ा सुखी हो सकता है। न मौत का भय, न बीमारी का भय, न अपमान का भय, कोई भय नहीं। न भूत का भय है, न और किसी का भय है। ऐसा अभय का भाव संपुष्ट हो जाए, भय क्षीण हो जाए, वह आदमी बड़ा सुखी आदमी दुनिया का हो सकता है। भले पैसा उसके पास ज़्यादा न हो, भले बढ़िया मकान उसके पास न हो, भले सत्ता उसके पास न हो, पर जो अभय बन गया वह दुनिया का बड़ा सुखी आदमी बन सकता है। तो न स्वयं को डरना, न दूसरों को डराना, यह है अभय। दोनों पक्ष अभय के हमारे जीवन में रहें कि हम किसी से डरे नहीं और हम किसी दूसरे को डराएं नहीं। हमारी ओर से अभय दान, हमसे कोई डरो मत, हमारी ओर से अभय दान है। एक साधु जो त्यागी है, अहिंसक है, अब एक छोटे प्राणी को भी जो नहीं मारता, किसी को तकलीफ न हो, इतना मनोभाव रखने वाला है।
तो साधु की ओर से कितना अभय दान है। तो साधु भी न डरे न डराए और गृहस्थ भी जितना संभव हो सके अभय का आराधन करें। हम लोग यह यात्रा कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये तीन बातें जनता में बताया करते हैं कि परस्पर सद्भावना, वो भी अभय से जुड़ी हुई बात है, सबके साथ मैत्री, किसी को यह मारना करना, दंगा फसाद, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, हिंसा मार काट, इसमें नहीं जाना। सद्भावना, अच्छी भावना, मैत्री भावना रखना सबके साथ। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी कार्य करें, उद्योग धंधा लेन देन जो भी करें काम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो, धोखाधड़ी से आदमी, बेईमानी से बचने का प्रयास रखे। और तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, ये तीन सूत्र गृहस्थों के जीवन में रहते हैं अच्छी तरह, तो गृहस्थों का जीवन भी अच्छा बन सकता है। अपराध बहुत कम या नहीं तुल्य नहीं बन की स्थिति में आ सकते हैं, और गांव में, नगर में एक शांति का माहौल रह सकता है। जब गांव में ये तीनों सूत्र हैं, नगर में, नागरिकों में तीनों सूत्र हैं, तो गांव नगर में एक शांति का माहौल भी बना रह सकता है। तो संतों का आना होना और एक बड़े समुदाय का, संतों का, साधियों का किसी गांव में आना होना भी बहुत अच्छी बात है। कि संत समागम, कि भाई ये जो सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक सामान्य पापी कहीं सामान्य आदमी के घर में भी परिवार हो सकता है, पैसा हो सकता है, पर संतों का गांव में आना होना, हरि भगवान धर्म का प्रवचन कथा होना, वो दुर्लभ बताई गई हैं। तो ये चीज़ें होती है संतों का समागम और प्रवचन धर्म की कथा, वो बहुत अच्छी बात गांव के लिए, नगर के लिए हो सकती है। और संतों की संगत तो थोड़ी देर की भी बहुत कल्याणकारिणी कभी हो सकती है। कि एक घड़ी आधी में पुण्य आद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी साधुओं की संगति मिल जाए बहुत अच्छी बात है, एक घड़ी नहीं आधी घड़ी मिल जाए तो भी ठीक है, आधी घड़ी भी नहीं, पाव घड़ी जितनी भी संतों की संगति मिल जाए, उसका भी अपना महत्व होता है। तो ये संत समागम होना, जो त्यागी हों, घर परिवार के त्यागी, अपनी साधना में रहने वाले पवित्र आत्मा महात्मा जब गांव में आते हैं, तो वो कह कि गांव में दिवाली दशहरा, जब संतों का आना उस दिन गांव में, घर में दिवाली दशहरा का रूप, तो एक उत्सव का रूप हो सकता है। कि दिवाली दशहरे में मान लो उमंग है, उत्साह है, संत आ गए, तो वो दिन भी मानो दिवाली दशहरे का सा उत्सव का, उमंग का रूप हो सकता है। तो संतों के समागमन से आध्यात्मिक लाभ मिले और मनुष्य का जीवन आध्यात्मिकता की दिशा में आगे बढ़े, यह कल्याणकारी बात हो सकती है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अण वज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।